एवरीवन, दिस इज सोनू मिश्रा बैक इन द वीडियो। स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो फाइनली आज बात करेंगे पीआरपी के पूरी प्रोसेस के ऊपर। आप लोगों को जानने में इच्छा भी होगी कि पीआरपी कराते वक्त आपको दर्द होता है या नहीं, इसका प्रोसेस कितना है, इसका टाइम कितना लगता है, प्राइस क्या लगता है। तो बहुत शॉर्ट है, सिर्फ 5 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस पर पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। वीडियो देखने के बाद जो कोई मन में प्रश्न उठ रहा है, कोई क्वेश्चन उठ रहा है, नीचे जाके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप करके मुझ तक पहुंचा दो, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। एंड हाँ, चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर लो। उससे पहले बता दूं मैं आपको कि मैंने 2 महीने सॉरी 2 सेशन अपने पीआरपी के ली हुई है। इसका रिजल्ट मैंने 1 महीने पहले शो किया हुआ है। एंड पीआरपी को वीडियो देखनी होगी तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर देख सकते हो। और साथ ही साथ आपको और कोई मुझसे बात करनी है तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां जाकर मुझे फॉलो करके मुझसे आप बात कर सकते हो। बात करते हैं पीआरपी थेरेपी की। तो पीआरपी थेरेपी में कुछ नहीं होता, सबसे पहले डॉक्टर जिस भी क्लिनिक में आप गए हो, जिस डॉक्टर से आप मिले हो, डॉक्टर आपको अपने अनुसार 10, 12, 15 ml आपका ब्लड लेते हैं आपके ही बॉडी से। जैसा कि आपको वीडियो क्लिप में दिख रहा होगा, आपके हैंड से वो ब्लड निकाल लेते हैं। ब्लड निकालने के बाद उस ब्लड को सेव करके पीआरपी की मशीन होती है, उस मशीन में डाल देते हैं बहुत ही सॉफ्ट तरीके से। एंड उसके बाद क्या होता है कि उस मशीन में वो टाइमर सेट कर देते हैं, टाइमर लाइक 15 से 20, 25, 30 मिनट तक, अर्थात 30 मिनट लास्ट होता है। 30 मिनट में पूरा अपना प्लाज्मा तैयार हो जाता है। प्लाज्मा तैयार होने के बाद देखो, जैसे अब 10 ml ब्लड है, 10 ml ब्लड में मुश्किल से 2 से 3 ml प्लाज्मा निकल पाता है अच्छे से तरीके से। जो वेस्ट मटेरियल है अपना साइड हो जाता है, प्लाज्मा उसमें से बाहर आ जाता है उस मशीन के थ्रू, जैसा कि आपको वीडियो क्लिप में भी दिख रहा होगा। उसके बाद आती है बात पेशेंट की। पेशेंट को एक सॉफ्ट बेड पर लिटाया जाता है। लिटाने के बाद सबसे पहले पेशेंट के हेड में दिया जाता है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया काम क्या करता है, देखो एनेस्थीसिया देते वक्त थोड़ा बहुत पेन होता है, लेकिन उस पेन को कैसे रिलीज करते हैं डॉक्टर, इसके बारे में बताऊंगा आपको। एनेस्थीसिया होता है इसलिए कि जिससे कि आपका जो हेड है, जहाँ जहाँ आपको प्लाज्मा देनी है, वो पूरा हेड आपका सुन हो पाए, जिससे कि प्लाज्मा देते वक्त आपको ज़्यादा पेन ना हो, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी पेन ना हो, आपको महसूस भी ना हो कि आपके साथ आपके हेड में कुछ छेड़खानी किया जा रहा है। एनेस्थीसिया देते हुए थोड़ा बहुत पेन होता है तो स्कून के पास वाइब्रेटर होता है, जैसे वाइब्रेटर चला देते हैं, जैसा आपको वीडियो क्लिप में दिख रहा है। वाइब्रेटर से जो आपका पेन है वो बहुत कम हो जाता है, एंड बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे कि आपको लगता तो है कि हाँ पेन हो रहा है, लेकिन उतना आपको एहसास नहीं होता है। एनेस्थीसिया देने के बाद फिर आपका जैसे डॉक्टर से पूछते हैं कि आपके सर में पेन है या नहीं है, आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देते हो, क्लियर कर देते हो कि हाँ अब मेरे साइड में आपके सर में पेन नहीं है। उसके बाद डॉक्टर फिर पीआरपी देना आपको शुरू करते हैं। पीआरपी दैट मीन्स कि आपके हेड में प्लाज्मा डालना शुरू कर देते हैं। प्लाज्मा डालते, जैसा कि आपको वीडियो क्लिप में दिख भी रहा होगा, प्लाज्मा डालते वक्त फिर डॉक्टर आपसे कुछ बात भी करते हैं, लाइक आपको पेन या फिर जैसे भी हो रहा है उस तरह से आपको आपके साथ बात करते रहते, जैसे कि आपका जो फोकस है वो कहीं और ना जाए। अब बात करते हैं थोड़ा सा, देखो जब एनेस्थीसिया देते हैं तो आपको थोड़ा सा एहसास होता है कि आपका जो हेड है वो थोड़ा उठा उठा है, जैसा कि आपको वीडियो क्लिप में दिख रहा है या फिर फोटोज में दिख रहा है आपको। यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा एहसास होता है कि देखो लोग कहते हैं कि स्वेलिंग वगैरह आती है, स्वेलिंग नहीं आती। जैसे मेरा जो अपना 2 एक्सपीरियंस था पीआरपी लेने का, तो उसमें मैं यही कह सकता हूँ कि स्वेलिंग वगैरह नहीं आती है बेसिकली। तो नॉर्मली हमें लगता है वो थोड़ा सा उठा उठा है और ज़्यादा कुछ एहसास नहीं होता है। पीआरपी ख़त्म होने के बाद आपको फिर आपके हेड को कैप से ढक दिया जाता है, जिससे कि आप बाहर जाओगे तो जो भी धूल मिट्टी है आपके सर पर आके चिपक ना सके, जिससे कि आपको कोई मतलब जरा ईचिंग टाइप का या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह ना हो पाए। इसलिए बात करें पीआरपी के साइड इफेक्ट की, तो पीआरपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एंड उसके बाद पीआरपी से कभी भी नए बाल नहीं आते हैं। ये पूरा प्रॉपर था प्रोसेस पीआरपी थेरेपी का। पीआरपी थेरेपी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 7 से 10 मिनट लगता है, इस टाइम के अंदर पूरा प्रॉपर पूरा हो जाता है वो। उसके बाद क्या होता है कि पीआरपी की जो प्राइस है वो देखो क्लिनिक पर डिपेंड करता है। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने मुझसे प्राइस के बारे में पूछा हुआ है, तो प्राइस कभी भी क्लिनिक पर डिपेंड करता है। क्लिनिक लाइक देखो आप दिल्ली में करवा रहे हो, किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में करवा रहे हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्राइस का बढ़ जाता है, लाइक 4 से 5 हज़ार रुपये फर्स्ट सेशन का लेते हैं एक सेशन का। कई बार क्या होता है पैकेज लेते हो तो आपको कम पड़ जाता है, लेकिन अब 4 से 5 सेशन करवाते हो पीआरपी का तो आपका आपका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम जाता है। लाइक जैसे मान लो एक सेशन पे कोई 4 हज़ार रुपये आपसे ले रहा है, यदि 5 से 6 और लगातार सेशन लोगे तो आपको वो जो मुश्किल से 2500 रुपये या फिर 3 हज़ार रुपये आपसे वो लेते हैं। जिस क्लिनिक से मैंने करवाया है मेरा पर सेशन पर 3 हज़ार रुपये पड़ा हुआ है। आप लोगों को लगता हो पीआरपी से नए बाल आते हैं, तो पीआरपी से कभी भी नए बाल नहीं आते हैं। यदि कोई आपको कहता है, कोई डॉक्टर ऐसा बोल रहा है, तो समझ लो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि आपको मैं पहले ही वीडियो बता चुका हूँ कि डॉक्टर ने खुद बोला है कि पीआरपी से नए बाल नहीं आते हैं। एंड मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे भी पीआरपी से नए बाल नहीं आए हैं, जो बाल मेरे पहले थे वही बाल अभी है, थोड़ा सा मोटे हो रहे हैं। पीआरपी से आपकी डेंस बढ़ सकती है। डेंस कैसे बढ़ सकती है, क्योंकि पीआरपी से आपके बाल मोटे होते हैं। यदि आपका एक बाल भी मोटा होता है तो वो 3 के बराबर हो जाता है, जिससे कि आपका गंजापन है वो कुछ हद तक ढक जाता है।
आई होप दैट्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, एंड अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे नीचे जाकर कमेंट कर सकते हो। आपको मुझसे पर्सनली बात करना है तो चैनल के अबाउट में जाकर चेक करोगे, आपको वहाँ पर नंबर मिल जाएगा, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक भी है, वहाँ जाकर मुझे फॉलो करके मुझसे जरूर बात कर सकते हो। मैं आपको बिल्कुल जितना आपकी हेल्प हो सकता है मेरे से उतना करने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।